बीजेपी 6 अप्रैल यानी शनिवार को अपना स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर चली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि इस चुनाव में हम पूरी ताकत से लग जाएं। एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं। इसके लिए घर घर संपर्क, हर लाभार्थी से संपर्क करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में चार चार पांच पांच पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि यह अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे, उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज लगभग हम 8,40,000 बूथ पर हमारी बूथ समितियां काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मास फॉलोइंग की पार्टी है। आज हम 303 MP लोकसभा में रहे, निवर्तमान लोकसभा में हम आज 94 के आसपास राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, 1500 के आसपास हमारे विधायक हैं और लगभग 150 से ज़्यादा हमारे मेयर हैं और उसी तरीके से हजारों की संख्या में हमारे BDC के सदस्य और चेयरमैन हैं। यानी जनता का प्रतिनिधित्व भी सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज़्यादा नेताओं के माध्यम से कर रही है। और आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, आपके माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करता हूं और यह आह्वान है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में NDA 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। और इसके लिए घर घर संपर्क, हर लाभार्थी से संपर्क, हर बूथ पर अपना कार्य और बूथ पर कार्य के माध्यम से
हर व्यक्ति से संपर्क हम करें और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश पहुंचाएं, फिर एक बार मोदी सरकार। और इसके साथ साथ यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी लेती है, उसको भी हम पूरा करेंगे। आप सब लोग पूरी ताकत से लगे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। फिर से आपको आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।